हाय फ्रेंड्स, माय नेम्स कमाल और मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन गार्डन पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डहलिया के पॉटिंग मिक्स के बारे में, कौन सा पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल करना चाहिए डहलिया में जिससे आपके डहलिया भी मेरी तरह अच्छे से अच्छे ग्रो हो सके, अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग दे सकें। मेरे दोस्तों, मैंने ये वही पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल किया जिसमें डहलिया में ये देखिए कितने अच्छे से अच्छे फूल कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इसकी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको अभी आपको दिखाऊँगा कौन सी पॉटिंग मिक्स कितने कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है मैंने, वो सारी आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो मेरे डहलिया देख लीजिए। आप यकीन मानना दोस्तों, मैंने वही पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल किया है जो पॉटिंग मिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे आने वाली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा टाइम लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरा ये प्लास्टिक का तसला है, मैंने 40% रेत ले लिए, रेत यानी सैंड, और 40% मैंने नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल और 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कंपोस्ट या गोबर खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो है डालना है, वो है नीम जैविक खाद। दोस्तों, इससे क्या होता है, इससे जो हमारे प्लांट्स की जड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा, कोई फंगस का अटैक नहीं होगा। इसके ये सारे रेशू हैं, आप कहीं से भी नीम जैविक खाद आपके मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, आप नीम जैविक खाद ले लीजिए। अब क्या क्या कितना कितना डालना है मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने लिया है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फोरस। ये नए प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसकी जड़ों को मजबूती देता है और जड़ों को अच्छे से ग्रो होने में मदद करता है। यह है DAP, कुछ मात्रा में मैंने DIP डाल दी है इसमें, देखिए। अब दूसरा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है मुझे उठाने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये है जाइम। इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं दोस्तों। अगर आपके पास जाइम अवेलेबल नहीं है तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, जाइम ले सकते हैं, जो चीज़ आपकी समझ में आए वो ले सकते हैं, दोनों एक ही काम करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट और जाइम। थोड़ा सा जाइम मिक्स कर देते हैं इसमें। अब इसके बाद जो प्लांट को अच्छे से मजबूती दे, ग्रो होने में मदद करे और पत्तों को हरा रखे, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है इसमें यूरिया। याद रहे दोस्तों, यूरिया बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना है इसमें। 46% नाइट्रोजन होता है मेरे दोस्तों, प्लांट को जला भी सकता है, इसलिए इतनी ही मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। बहुत 4 से 5, 10 से 15 दाने डालिएगा। और यह है नीम जैविक खाद। अगर आपके पास नीम जैविक खाद नहीं है तो कोई भी आप फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ है और बहुत नाम से मार्केट में इस्तेमाल होते हैं फंगीसाइड, किसी भी गार्डनिंग स्टोर पर जाकर आप मांग सकते हैं एक फंगीसाइड दे दी, फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं। मैं ऑर्गेनिक नीम जैविक खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये खाद का भी काम करेगी और फंगीसाइड का भी काम करेगी, इसलिए मैं डबल काम करेगी, इसलिए ये इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। अब आपको अच्छे से मिला दें, बेहतरीन करके बढ़िया करके मिला दें, बढ़िया अच्छे से मिला दीजिएगा दोस्तों। ये मैं मिला रहा हूँ इसको, और नीम जैविक खाद का काम जो है वो प्लांट में मजबूती देती है, जड़ों को अच्छे से ग्रो होने में मदद करेगा। आप ये पॉटिंग में इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, यकीन मानिए आपके भी डहलिया बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, अच्छी तरीके से मेरी तरह बिल्कुल हो जाएंगे। ये मेरी डहलिया की पॉटिंग मिक्स तैयार हो गई, मैंने इसको रखा दिया। अब आ गई है रीपॉटिंग की बारी। दोस्तों, मैं साथ में ही दिखा रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मतलब पॉटिंग मिक्स बना दी, रीपॉटिंग नहीं कर रही। मैं उसी पॉटिंग मिक्स में आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगा जो पॉटिंग मिक्स मैंने बनाई है। मेरी कोई फेक वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा पहला नया नया चैलेंज स्टार्ट किया है, पहली वीडियो है मेरी रिपोर्टिंग बारे में। मैंने ये 7 इंची का पॉट ले लिया, ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत ही नहीं डहलिया के लिए, इतना ही काफ़ी है।
मैंने ये पॉट amazon.com से मंगवाए थे दोस्तों, ये मुझको 11 रुपए का पड़ा था। आप चाहें तो मिट्टी का पॉट, कोई सा ही पॉट ले सकते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के। अब मैं आपको दिखाऊंगा डहलिया की रिपोर्टिंग। जी ये इस्तेमाल करते हैं अच्छे से बढ़िया करके। ये है मेरा डहलिया प्लांट जो मैं अभी नर्सरी से लेकर आया हूँ। हमारे यहाँ एक लोकल नर्सरी मार्केट लगती है, वहाँ पर बहुत बहुत सस्ते प्लांट मिलते हैं। ये कितना अच्छा प्लांट है देखिए दोस्तों, मैं 40 रुपए में लेकर आया हूँ। इसकी पन्नी को फाड़ कर आराम से निकालिएगा, जड़ों को डैमेज ना होने पाए। हल्के से जड़े, ज़्यादा जड़े टूटे ना। लोग तो है वो आपके ज़्यादातर गार्डनर जो है वो आपके वीडियो में बताते हैं सब जड़े डैमेज करते हैं, ये जड़े वैसे ही निकल के भाग जाएंगी। ये इसमें रख दीजिए आराम से। अब इसमें वही पॉटिंग मिक्स डालूंगा। देखो दोस्तों, मैंने आपकी नज़रों से सामने ही वही पॉटिंग मिक्स है, वही पॉटिंग मिक्स है, कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों। बहुत से गार्डनर फेक वीडियो बना देते हैं। हमारे एक है ग्रीन चैनल के नाम से, टमाटर पे उन्होंने वीडियो बनाई थी, सारे टमाटर वमाटर सब एक ही बार में लेटेस्ट अपडेट दे दिया, सूखे डाली लगा के लगा दी थी। मेरा वो काम नहीं है, मेरा नया चैनल है, अभी ग्रो हुआ नहीं है, पहली वीडियो है मेरी डहलिया के बारे में। आगे आने वाले टाइम में और वीडियो बनाऊंगा मैं, और अच्छी से अच्छी वीडियो पर पेश करूंगा आपके सामने। इसमें मिट्टी डाल लीजिए चारों तरफ से, बढ़िया करके प्रेस कर देना, हिलेना। ये देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों वही पॉटिंग मिक्स है। लोग पॉटिंग मिक्स के लिए वीडियो बना देते हैं अलग से, ये वीडियो अलग से, ये वीडियो वो वीडियो अलग से बना के अपने चैनल को ग्रो ग्रो करने के चक्कर में जाने क्या क्या करते हैं लोग। वही पॉटिंग मिक्स, वही आपके सामने पॉटिंग मिक्स बनाई है डहलिया के लिए, कोई फेक पॉटिंग मिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इसमें झोल नहीं है दोस्तों, कोई भी कुछ नहीं है इसमें, वही पॉटिंग मिक्स है। ये दूसरा वाला डहलिया जो मैं लाया हूँ नर्सरी से, अभी लाया हूँ, मुझे 40 रुपये में। हमारे यहाँ बहुत मद्दा प्लांट मिलता है, हमारा यहाँ एक नर्सरी मार्केट लगती है मंगलवार को। उसकी लेटेस्ट अपडेट मैं अगले आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, कहाँ पे से कैसे करके कितने कितने मद्दे और कितने कितने सस्ते दामों पर पौधे मिलते हैं। नर्सरी मार्केट लगती है हमारे यहाँ दोस्तों, नर्सरी वाले मार्केट एक जगह इकट्ठा होकर सारे प्लांट्स को हमारे यहाँ सेल करते हैं। जी ये दूसरा वाला है, जो पॉटिंग मिक्स मैंने आपके सामने बनाई थी दोस्तों, वही पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसमें। लोग कह देते हैं ये पॉटिंग मिक्स को बना ली, उसके बाद चार चार पांच पांच बार वीडियो को एडिट करके बना के दिखा देते हैं, ये डहलिया की पॉटिंग मिक्स है, ये इसकी पॉटिंग मिक्स है। मैं जो भी पॉटिंग मिक्स आपके सामने बनाऊँगा, वही पॉटिंग मिक्स जिस चीज़ के लिए बनाऊँगा उसी के लिए वीडियो बना के दूँगा आगे। उसके आपको सामने, आपको उसी पॉटिंग मिक्स में पॉट रिपोर्ट करके प्लांट दिखाऊंगा। अच्छे से प्रेस कर दीजिए दोस्तों और बढ़िया से दबा दीजिए इसको। ये आपके दोनों प्लांट रिपोर्ट हो गए डहलिया। अब इसमें आती है, प्रेस कर लीजिए थोड़ी सी, अगर जो कमी रह गई है दोस्तों अपने हिसाब से देख लेना, सब तो नहीं बता सकता मैं इसमें कि कितनी मिट्टी कहाँ से किधर से डालना है। आगे आने वाली लेटेस्ट अपडेट में आपको दिखाता रहूँगा कितने फूल इसमें खिले, कैसे करके खिले हैं, आगे कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल करना है, कितने दिन के बाद करना है, सब बताऊँगा मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, आगे से आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों मेरा ये फूल टूट कर गिर गया है, घबराइएगा नहीं दोस्तों, आगे इस पॉटिंग मिक्स इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छे से अच्छे फूल खिलेंगे इसमें। ये दोनों रेडी हो गए आपके। अब आती है इसमें, ये देखिए अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, दोनों डहलिया के प्लांट बिल्कुल रिपोर्ट करती है, वही पॉटिंग मिक्स है, कोई फेक वीडियो नहीं है ये हमारे।
अभी हो गया, अब इसमें है बार्टरिंग की बारी दोस्तों। इसमें पहली बार जब बार्टरिंग करेंगे तो अच्छे से बार्टरिंग कर देंगे, पूरी तरीके से। इसमें पानी अच्छी तरीके से डालना है और इतना डालना है कि पानी ड्रेनिंग होल से बहकर बाहर निकल आए। जी हाँ दोस्तों, इतनी बार्टरिंग कीजिए कि पानी ड्रेनिंग होल से निकल के बाहर आ जाए, और फिर इसको 4 से 5 दिन के लिए कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट आती हो 2 से 3 घंटे बस। उसके बाद जब 4-5 दिन के बाद इसको हम फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे। पानी इसमें हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पानी मेरा ड्रेनिंग होल से बाहर आ गया। कम से कम इतना वाटर दीजिए, इतना पानी वाटरिंग कीजिए कि वाटर जो है ड्रेनिंग होल से बाहर निकल आए।